जी हाँ किसान भाइयों, पहले जैसे सुकर पालन एक व्यवसायीकरण का रूप नहीं लिया था, पर आजकल के दिनों में यह सुकर पालन काफ़ी एक अच्छा व्यवसाय का रूप ले लिया है। जैसे आप जानते होंगे सभी किसान भाई, अधिकतर अभी भी हमारे देश में कहें तो देसी जो नस्लें हैं उनकी भरमार है, और देसी नस्लों में किसान भाइयों को जितना मुनाफा होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। इसी कारण हर राज्यों के जो शोध संस्थान है, जो ये पशुपालन में जो शोध कर रहे हैं, उन सबों ने उस क्षेत्र के उपयुक्त, उस क्षेत्र की जो विशेषता है उसके अनुसार में कुछ कुछ नस्लें विकसित की गई हैं। उसी का एक कड़ी में झारखंड के किसानों तथा झारखंड के आसपास के राज्यों के किसानों के लिए झारसुक है, जो पहले TND के नाम से जाना जाता था, यह नस्ल विकसित किया गया है। यह किसान भाइयों, ये नस्ल यहाँ के एक जो संकर नस्ल है, यहाँ के वातावरण में और यहाँ का जो बाजार की मांग है उसके अनुसार में सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ के लोगों के बीच में काले रंग के सुकरों की अधिक मांग होती है, इसी कारण झारसुक का भी रंग, जो ये शोध चला उस समय ये ध्यान में रखा गया कि इसका रंग काला ही रहे और साथ साथ में जो शरीर वृद्धि दर है ये बाकी की तुलना पे कम न रहे। तो आप देखेंगे झारसुक का जो रंग है बिल्कुल देसी नस्ल के जैसा मिलता जुलता रहता है। बच्चे देने की क्षमता विदेशी नस्लों में या विदेशी संकर नस्लों के जैसे सुकरों के आसपास रहता है। इनके जो बच्चे देने की क्षमता है ये 8 से 12 बच्चे प्रति बियान के आसपास जाते हैं, और वृद्धि दर भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये हम लाचली ये सलाह देंगे आपको कि यहाँ पे अगर सुकर पालन के लिए जा रहे हैं तो झारखंड के बाजार के अनुसार में आप झारसुक नस्ल आपके लिए सबसे उपयुक्त नस्ल होता है। ऐसे सुकरों को पालने के लिए तथा उनकी अच्छी बढ़वार के लिए उनकी आवास व्यवस्था पर खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सुकर पालकों को सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए उनके कमरे के फर्श पक्के हों, इसके अलावा आवास में हवा का प्रवेश बना रहे। इतना ही नहीं, उनके फर्श सूखे हों तथा आसपास जल जमाव न हो। गर्भवती सुकरी के लिए प्रसूति गृह का निर्माण करना बेहतर होता है। आवास प्रबंधन के अलावा सुकरों की अच्छी बढ़वार के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। जब सुकरी बच्चे देती है तो उसे संतुलित और सुपाच्य भोजन देना चाहिए। मौसम के अनुसार कमरे के तापमान पर ध्यान देना चाहिए। कमजोर बच्चों को खुद से ध्यान देकर दूध पिलाने की जरूरत है। 1 सप्ताह के बच्चों को बाहरी भोजन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा आप पोषण के संबंधित भी ध्यान जरूर रखें। पोषण के बिना आपकी जो देखरेख है या नस्ल का चुनाव है तब भी आपको उतना फायदा नहीं मिल पाएगा जितना आपको चाहिए। अगर आप पोषण संतुलित आहार का समुचित उपयोग या समुचित व्यवस्था करते हैं तो नस्ल के अनुसार आपको बहुत ही अच्छा वृद्धि, शारीरिक वृद्धि मिलेगा, जिससे आपको फायदा भी होगा। तो शुरुआत में किसान भाइयों, जैसे हम कह रहे हैं कि जो 7 से 10 दिन के बाद में आप शुरुआत करें क्रीप राशन का, प्रोटीन की मात्रा करीब 18% के आसपास रहता है। जैसे ही ये 10-15 kg के आसपास के हो जाते हैं तो वहाँ पर आप इनको स्टार्टर राशन पे ले आइए या ग्रोअर राशन में भी सीधे ले सकते हैं। उन सबों में हम थोड़ी प्रोटीन की मात्रा को घटा सकते हैं। प्रोटीन की मात्रा यहाँ पर 16% रख सकते हैं। जैसे जो दलहनी चीज़ें या फिश मील वगैरह का प्रयोग करते हैं आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जब आपके सुकरे 30 से 35 kg आने लगें तो वहाँ से आप फिनिशर राशन आप शुरू कर सकते हैं, और ये फिनिशर राशन जब तक आप बाजार में नहीं जाते बेचते हैं तब तक आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। फिनिशर राशन में आप जो प्रोटीन पाए जाने वाले पदार्थों की मात्रा को, आप उसकी जो परसेंटेज है उसको आप घटा सकते हैं, और ऊर्जा वाले पदार्थों को थोड़ा बढ़ा सकते हैं।